नमस्कार मित्रों, मैं हूं विषम बरथावी, ध्येय विद विषम बरथावी। आज हम चर्चा करेंगे राजस्थान के पूर्वी मैदान के बारे में। राजस्थान के भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से हम देखें तो राजस्थान को हम चार भागों में विभाजित करते हैं। पश्चिम का मरुस्थल, मध्य में अरावली पर्वत श्रृंखला, यहाँ दक्षिणी पूर्वी पठार और ये वाला जो क्षेत्र है पूर्वी मैदान। आज हम चर्चा करेंगे पूर्वी मैदान के बारे में। पूर्वी मैदान राजस्थान का 23% भूभाग लिए हुए है। राजस्थान का 23% इस क्षेत्र में भूभाग है और यहां पर 39% 39% इस क्षेत्र में जनसंख्या निवास करती है। राजस्थान की महत्वपूर्ण नदियां इस पूरी मैदान में ही चलती हैं और यह क्षेत्र चार भागों में विभाजित करते हैं। चंबल बेसिन, दूसरा माही बेसिन, तीसरा बाणगंगा बेसिन, चौथा बनास बेसिन। पूरी मैदान की चार बेसिन है। इन चार बेसिन में अगर हम चर्चा करें तो बेसिन का अर्थ क्या है। बेसिन से अभिप्राय है जिस क्षेत्र में नदियां प्रवाहित होती है और वहां अपना मैदान का निर्माण कर देती है, उस क्षेत्र को हम बेसिन के नाम से जानते हैं। पूरी मैदान में जिलों की दृष्टि से देखें तो उसमें 13 जिले आते हैं राजस्थान के इस पूरे मैदानी क्षेत्र के अंदर। सबसे बड़ी बात है चंबल बेसिन, राजस्थान का चंबल बेसिन। चंबल नदी मानपुर मऊ प्रदेश मध्य प्रदेश से आती है, यहां से आते हुए यहां चित्तौड़ के बाद में कोटा के बाद बूंदी के बाद सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर, यहां से होते हुए यह नदी उत्तर प्रदेश में यमुना नदी में मिल जाती है। ये वाला जो क्षेत्र है वो चंबल बेसिन के नाम से जाना जाता है। चंबल नदी यहां अनेक बिहड़ों का निर्माण करती है। बिहड़ से अभिप्राय है यह नदी अपने तीव्र प्रवाह के साथ में चलती है और यहां पर बड़ी बड़ी घाटियों का निर्माण करती है और जो बड़ी घाटियां इसके तीव्र प्रवाह से चलने से निर्मित हो जाती है उस क्षेत्र को हम बिहड़ कहते हैं। सवाई माधोपुर में सर्वाधिक बिहड़ है, उसके बाद हम देखेंगे तो धौलपुर में भी बिहड़ का निर्माण होता है। एक सबसे महत्वपूर्ण बात है चंबल नदी चंबल बेसिन के माध्यम से उत्खात स्थलाकृति का निर्माण किया जाता है। उत्खात स्थलाकृति ये उत्खात स्थलाकृति जो है विश्व की एकमात्र नदी जो उत्खात स्थलाकृति का निर्माण करती है, जिसको हम बेडलैंड एरिया के नाम से जानते हैं। बेडलैंड एरिया जिसको स्थानीय भाषा में डांग के नाम से जानते हैं। डांग की रानी हम करौली को कहते हैं, डांग की रानी करौली को भी हम कहते हैं, बिहड़ों का निर्माण करती है। बेडलैंड एरिया उत्खात स्थलाकृति का निर्माण करती है और यह भूमि स्थलाकृति उत्खात स्थलाकृति के रूप में डांग क्षेत्र के नाम से
जानी जाती है। चंबल बेसिन अपने आप में राजस्थान का सबसे बड़ा बेसिन है और यहाँ सबसे उपजाऊ मिट्टी राजस्थान की पाई जाती है। जलोढ़ मिट्टी, दुम्मट मिट्टी इस क्षेत्र में पाई जाती है। दूसरे बेसिन की हम बात करें तो दूसरा बेसिन आता है माही बेसिन। यह भी मध्य प्रदेश से निकल करके नदी खांडू नामक बांसवाड़ा क्षेत्र में प्रवेश करती है। उत्तर से होती हुई फिर यह वापस दक्षिण की तरफ चली जाती है। माही बेसिन के जिलों की दृष्टि से देखें तो यहाँ बांसवाड़ा, डूंगरपुर, यहाँ प्रतापगढ़ और उदयपुर का दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र इस माही बेसिन के अंदर आता है। माही बेसिन मूल रूप से देखें तो इसको हम अनेक नामों से पुकारते हैं। स्कंद पुराण में इसको हम नागखंड, कुमारिका प्रदेश के नाम से जानते हैं। इस क्षेत्र को लाट प्रदेश भी कहा जाया गया है। लाट प्रदेश कहने का काम है कारण है यह चालुक्य वंश के समय उनके अधिकार क्षेत्र में था, इसलिए इसको लाट प्रदेश कहते हैं। इस क्षेत्र को पुष्प प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है। पुष्प प्रदेश का नामकरण करने का सबसे महत्वपूर्ण अभिप्राय है यहाँ पर जंगल अत्यधिक मात्रा में था, लताएं पुष्प पर्याप्त मात्रा में थी, परिणाम स्वरूप इसको पुष्प प्रदेश के नाम से जानते हैं। इस क्षेत्र को व्याघ्रवाट के नाम से भी जाना जाता है। व्याघ्रवाट नाम देने का महत्वपूर्ण कारण है यहाँ जंगली बाघ, हिंसक पशु होने के कारण इसको हम व्याघ्रवाट के नाम से जानते हैं। इसको गुप्त प्रदेश अथवा पाताल प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है। गुप्त प्रदेश और पाताल प्रदेश नाम देने का सबसे महत्वपूर्ण कारण था यहाँ प्राचीन काल में ऋषि मुनि इस क्षेत्र में अपना तपोवन बना करके अपनी तपस्या स्थली रखी थी, इस कारण इस क्षेत्र को हम गुप्त प्रदेश या पाताल प्रदेश के नाम से जानते हैं। बांगड़ क्षेत्र कहने का अभिप्राय है यहाँ राजस्थानी भाषा, गुजराती भाषा उन दोनों का मिश्रण बन करके बांगड़ी भाषा बन जाती है, इसलिए इस क्षेत्र को बांगड़ प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है। इस क्षेत्र को 56 का मैदान भी कहते हैं। 56 का मैदान कहने का अभिप्राय है प्रतापगढ़ व बांसवाड़ा के मध्य 56 गांवों का समूह, 56 नदी नालों का समूह था, परिणाम स्वरूप इस क्षेत्र को हम 56 का मैदान भी कहते हैं। तो चंबल बेसिन और माही बेसिन, उसके उपरांत बाद में आता है बाणगंगा बेसिन। बाणगंगा बेसिन राजस्थान से बाणगंगा नदी जो है जयपुर से निकलती है, जयपुर से होती हुई दौसा भरतपुर इस प्रकार से सीधी पूर्व दिशा में यह नदी जाती है। और यह बाणगंगा नदी जो है उसका बेसिन बाणगंगा बेसिन के नाम से जाना जाता है। राजस्थान की सर्वाधिक जो उपजाऊ मिट्टी है उस बाणगंगा बेसिन में अपने को मिल जाती है। उसके पश्चात आता है बनास बेसिन। बनास नदी का उद्गम यहाँ राजसमंद से होता है, राजसमंद से होती हुई यह नदी चित्तौड़गढ़ से टोंक के बाद अजमेर, जयपुर, अजमेर और सवाई माधोपुर में यहाँ चंबल नदी में मिल जाती है। यह जो क्षेत्र है वो बनास नदी का बेसिन कहलाता है। बनास नदी का बेसिन दो भागों में बटा हुआ है। पहला जो भाग है वह मालपुरा
मैदान। यहाँ करौली, टोंक और मालपुरा जो क्षेत्र है, इसकी जो उत्तर की सीमा मालपुरा, करौली और टोंक में स्थित है। इस क्षेत्र में हम देखें तो इस धौलपुर वाले क्षेत्र में अपने को लाल पत्थर मिल जाते हैं। यहाँ अनेक प्रकार के मकान बनाने के लिए पटरियां, कातरें मिल जाती है। अगर इस क्षेत्र में चित्तौड़ की तरफ, प्रतापगढ़ की तरफ आए तो केशवपुरा, मानपुरा में अपने को हीरे मिल जाते हैं और यहाँ पर्याप्त मात्रा में नीस चट्टाने, शिष्ट चट्टाने और इस क्षेत्र में पर्याप्त मात्रा में कांपीय मिट्टी मिलती है। यह क्षेत्र बनास नदी बेसिन के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार राजस्थान का पूर्वी मैदान जिसकी चर्चा हमने की, यह राजस्थान के 23% क्षेत्रफल में विस्तृत है और यहाँ 39% लोग रहते हैं। यहाँ की मुख्य नहर है भरतपुर नहर, यहाँ की गुड़गांव नहर मुख्य नहर है। यहाँ मूल रूप से दुमट मिट्टी, कांपी मिट्टी पाई जाती है। यहाँ भीलवाड़ा के अंदर तालाब के माध्यम से कृषि होती है। इस क्षेत्र को हम पूर्णतः पूर्वी मैदान के नाम से जानते हैं और ये वाला क्षेत्र लगभग 13 जिलों में विस्तृत है। इस क्षेत्र को हम पूर्वी मैदान के नाम से हम जानते हैं। तो मित्रों, यह था आज का एक छोटा वीडियो पूर्वी मैदान। इस कोरोना रूपी महामारी में आप अपने घर में रहिए, सतर्क रहिए, सावधान रहिए। इस महामारी को हम घर में रहकर विजय कर सकते हैं। धन्यवाद। थैंक यू।